7 करोड़ गरीब महिलाओं के पास अपने घर में एलपीजी का रसोई सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवा करके 4 करोड़ परिवारों के पास अपना विद्युत कनेक्शन नहीं था, उन्हें विद्युत का कनेक्शन देकर के लघु और सीमांत किसानों में 12.5 करोड़ परिवारों को 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के और गरीबों के पास अपना बैंक का अकाउंट हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 37 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोल करके 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोल करके और इस देश के अंदर हर गरीब को बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की वार्षिक सहायता स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवा करके जो एक बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कार्य कांग्रेस और बीजेडी के लिए संभव था, नामुमकिन था, आज वो मुमकिन हुआ है। इसलिए क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, और मोदी जी ने इसे मुमकिन किया, इसका परिणाम है पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है और वह आवाज है मोदी 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 की। हर व्यक्ति मानता है आज मोदी जी के कारण आपके उड़ीसा में 2 स्मार्ट सिटी मिलती है और मैं अभिनंदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ज्वेल उराम जी का, जिनके कारण राउरकेला भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। भाइयों बहनों, राउरकेला का ये हवाई अड्डा, पहले यहां पर बहुत छोटा सा टर्मिनल था, आज एक बड़ा टर्मिनल बनने जा रहा है और बड़ा टर्मिनल बनने के बाद उड़ान योजना के अंतर्गत जब राउरकेला का ये एयरपोर्ट जुड़ेगा तो सचमुच हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, इसे साकार करने जा रही है मोदी की सरकार। भाइयों बहनों, यहां पर ब्राह्मणी नदी पर द्वितीय सेतु के निर्माण का कार्य भी जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने किया है, वह यहां के लोगों के आवागमन को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य हो रहा है। साथ साथ यहां पर इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में निर्माण के कार्य को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा राउरकेला और आसपास के लोगों को राउरकेला में ही प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ अमृत योजना के अंतर्गत राउरकेला के विकास के लिए की गई योजनाएं, एकलव्य योजना के अंतर्गत सुंदरगढ़ के प्रखंड में एकलव्य विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, 4 आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार हैं और शेष अन्य के कार्यों पर जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है, हमारे आदिवासी बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख करके देश के अच्छे प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपनी प्रतिभा और क्षमता का लाभ देश को देंगे। यह एक कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी कार्य अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो कार्य हुआ है, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी और तब कांग्रेस की सरकार के समय चीन भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने
आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता और पाकिस्तान